नमस्ते आज हम जानेंगे कि अनिमिया क्या है अनिमिया होने के कारण क्या होते हैं अनिमिया के लक्षण और एनिमिया के लिए सही आहार सबसे पहले हम अनिमिया क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जब हमारे खून में लोह तत्व की कमी हो जाती है जिसे आम भाषा में आयरन की कमी होना कहते हैं आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन में भी कमी हो जाती है जिससे हमारे रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को शरीर के अन्य हिस्सों तक ठीक से नहीं पहुंचा पाते इस कारण से अनिमिया होता है देखा जाए तो अनिमिया कोई बीमारी नहीं है पर यह बहुत सारी बीमारियों की वजह जरूर है ज्यादातर यह जीवन शैली में बदलाव और आहार संबंधी आदतों से होता है यह बढ़ते बच्चों में स्तनपान कराने वाली महिलाओं में और बीमार व्यक्तियों में ज्यादा पाया जाता है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारत देश में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं अनिमिया से पीड़ित होती है अनिमिया के लक्षण क्या है आंखें पीली हो जाना चक्कर आना कमजोरी और थकावट महसूस होना छाती में दर्द रहना सीने में ऐठन होना त्वचा और नाखूनों का पीला होना लेट उठने पर अचानक ही आँखों के आगे अंधेरा छा अच्छा जाना सांस फूलना या सिर दर्द रहना हाथ पैरों का ठंडा होना अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाना या सामान्य होना यह सब अनीमिया के लक्षण होते हैं इन सब लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज न करें अनीमिया होने का सबसे प्रमुख कारण है पौष्टिक भोजन की कमी इसके अलावा कुछ बीमारियों को भी इसका कारण माना जाता है भोजन के अलावा और अन्य कारण जिनसे अनिमिया होता है किडनी कैंसर अनिमिया का एक प्रमुख कारण है रेड ब्लड सेल बनाने के लिए बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है जब जरूरत के अनुसार भोजन से यह सब नहीं मिलता तब अनिमिया होता है अनिमिया ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में होता है अनिमिया के कारण हमारे रेड ब्लड सेल का आकार बदल जाता है एनीमिया अनेकों प्रकार के होते हैं लगातार रक्तस्राव होने से भी अनीमिया होता है यह भी अनीमिया का एक प्रकार है अनुवांशिक तौर पर होने वाला अनिमिया होता है अगर माता पिता दोनों ही शैलीसीमिया से पीड़ित हैं तो बच्चे में निन्यानवे प्रतिशत होने की संभावना होती है जिन लोगों को बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है या जिन लोगों को की मौत शरीय चल रही होती है उन लोगों में रेड ब्लड सेल का निर्माण होना बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता जिससे उन्हें प्लास्टिक अनिमिया होता है हेमोलिटिक अनिमिया इस अनिमिया में मरीज के ब्लड सेल ठीक से काम नहीं करते या इनका निर्माण अत्यधिक होने लगता है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी या लंबे समय तक बीमारी इनकी कमी से प्लर्नीसियस अनिमिया होता है प्लर्सियस अनिमिया लंबे समय तक शराब सेवन करने वालों को भी होता है दवाओं का साइड इफेक्ट थायराइड की समस्या कैंसर लीवर की बीमारियाँ एच आई वी एड्स और ट्यूब क्लोसिस यानी टीबी एनीमिया के कुछ अन्य कारण किडनी में बार बार स्टोन बनना किडनी फेल होना या कैंसर के कारण किडनी से लगातार रक्त स्राव होना यह भी एनीमिया के कारण होते हैं आइए अब जानते हैं अनिमिया से बचाव के लिए कुछ घरेलू उपाय बाए। घरेलू उपायों के साथ डॉक्टरी परामर्श भी उतना ही जरूरी है अनिमिया होने का मुख्य कारण खून की कमी होता है जो ज्यादातर अच्छे और पौष्टिक भोजन से पूरा होता है ज्यादातर युवाओं में अनिमिया का उपचार जल्दी हो जाता है परंतु ज्यादा उम्र के लोगों में यह शिकायत जल्दी से दूर नहीं होती अनिमिया होने पर हरी सब्जियां व फलों की मात्रा अपने भोजन में बढ़ा देनी चाहिए हरी सब्जियों में खून बढ़ाने व पेट को स्वस्थ रखने की भी खासियतें होती हैं इसके साथ ड्राई फ्रूट जैसा खजूर बादाम और किशमिश का भी प्रयोग किया जा सकता है विटामिन बी ट्वेल्व और आयरन की गोलियां डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती हैं। अनिमिया महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है इसके कुछ लक्षण जल्दी थकना, चक्कर आना त्वचा में पीलापन और लगातार सिर दर्द रहना होते हैं कुछ ऐसी व फल होते हैं जो अनीमिया में दवाइयों से भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं पालक को एनीमिया के लिए रामबान माना जाता है इसमें भरपूर आयरन विटामिन बी ट्वेल्व साथ ही फोलिक एसिड भी होता है पालक का सूप अगर रोज पिया जाए तो यह अनिमिया को जड़ से खत्म कर देता है अनार को अगर रोज सुबह खाली पेट खाया जाए और दिन में दो से तीन बार अनार का जूस पिया जाए तो यह अनिमिया से बहुत आराम दिलाता है अनिमिया के उपचार के लिए आप एक कप चुकंदर का रस एक कप सेब का रस मिलाकर इसमें दो चम्मच शहद मिलाएं और दिन में दो बार पिए यह शरीर में आयरन बहुत तेजी से बढ़ाता है टमाटर में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है टमाटर का भी विभिन्न तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दो खजूर को एक कप दूध में रात भर के लिए छोड़ दें, सुबह खाली पेट इन खजूर को चबा चबा कर खाए और बचे हुए दूध को पी लें यह अनिमिया से बहुत लाभ देता है किशमिश भी अनिमिया के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय है उपचार के लिए एक कप पानी में 10 से 15 किशमिश रात भर के लिए भिगो दे सुबह इन किशमिश को शहद के साथ खा लें और बचा हुआ पानी पी लें एनेमिया के मरीज को रोज शहद खाना चाहिए साथ ही शहद को अन्य खाने की चीज़ों के साथ भी प्रयोग करना चाहिए एनेमिया होने पर आप अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लें, साथ ही डॉक्टर की दी हुई सलाह को माने अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या आप किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद